नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे और आपकी मंगल कामनाओं के लिए मैं दुआ करता हूं। तो आज की इस वीडियो को हिंदी में बनाने का मेरा मुख्य उद्देश्य यही है कि जिस विषय पर आज मैं अपनी वीडियो बनाने जा रहा हूं, वह एक बेहद ही महत्वपूर्ण विषय है और ये आपके करियर से जुड़ा हुआ है। मैंने ये चीज़ गौर की है कि हमारे जितने भी सब्सक्राइबर हैं एवं होटल मैनेजमेंट में जो छात्र प्रवेश लेते हैं, उनमें से बहुत हद तक बहुत लोगों को अंग्रेज़ी समझने में कठिनाई होती है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि बीएससी और डिप्लोमा, यानी कि डिग्री या डिप्लोमा, कौन सा बेहतर है। तो आइए शुरू करते हैं हम अपने वीडियो को। तो दोस्तों, बहुत लोगों ने मुझसे सवाल पूछा है और बहुत सारे सवाल मेरे पास आए हैं कि सर, या डिग्री करें या डिप्लोमा, कौन सा बेहतर है। तो मैं बता दूं कि जितने भी IHM हैं, लगभग सभी IHM में, या यूँ कहें कि कुछ कुछ जो SIHM भी होते हैं, वहाँ पे डिग्री और डिप्लोमा दोनों के कोर्स कराए जाते हैं। तो जो डिप्लोमा होता है वो 1.5 साल का होता है और दूसरी ओर जो डिग्री होती है वो 3 साल की, या फिर जो प्राइवेट कॉलेज होते हैं वहाँ पे 4 साल की भी होती है, मगर हर IHM में जो डिग्री होती है वो 3 साल की होती है। तो आपकी जो डिप्लोमा होता है, डिप्लोमा आपका 2 सब्जेक्ट में होता है, जो कि है डिप्लोमा इन F&B सर्विस एंड डिप्लोमा इन फूड प्रोडक्शन। डिप्लोमा इन F&B सर्विस का मतलब है कि आपको F&B सर्विस के बारे में पढ़ाया जाएगा, आपको रेस्टोरेंट, बैंक्वेट, वाइन्स, क्रॉकरी, कटलरी, ग्लासवेयर, वो सभी चीज़ें जो खाने और पीने की सर्विस में लगती हैं या जो भी लगता है, ये सब चीज़ें जो हैं वो डिप्लोमा में, F&B सर्विस में आती है, माफ़ करिएगा। दूसरा जो हमारा कोर्स आता है डिप्लोमा के लिए वो है डिप्लोमा इन फूड प्रोडक्शन। डिप्लोमा इन फूड प्रोडक्शन का मतलब है उसमें 2 कैटेगरीज होती हैं। डिप्लोमा इन फूड प्रोडक्शन में 2 कैटेगरीज हैं, जो कि है एक आपका कुकरी होता है और एक होता है बेकरी एंड कन्फेक्शनरी। कुकरी का मतलब यही है कि जितना भी आपका जो भी खाना जो हम लोग डेली खाते हैं वो कुकरी उसमें आता है, और बेकरी एंड कन्फेक्शनरी का मतलब है जो भी बेकरी का आइटम होता है, जैसे आपके पेस्ट्रीज ले लीजिए, आपके ब्रेड्स ले लीजिए, बंस ले लीजिए, या ये सब आपके बेकरी में आते हैं, और कन्फेक्शनरी में सारी मिठाई के आइटम आते हैं। जो भी चीज़ें डेजर्ट, यानी कि जो भी इंडियन डेजर्ट होते हैं, वो सब कन्फेक्शनरी के अंतर्गत आते हैं। तो हमें बहुत लोगों ने ये भी चीज़ें पूछे हैं कि सर, डिप्लोमा करने से क्या हमारा करियर बर्बाद हो जाएगा? तो मैं आप लोग को बता दूं, जी नहीं, डिप्लोमा करने से आपका करियर नहीं बर्बाद होगा, लेकिन हाँ, कुछ कठिनाइयाँ आती हैं, और मैं ये भी आज इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ कि क्या बेहतर है, किन के लिए डिप्लोमा बेहतर है, किन के लिए डिग्री बेहतर है। तो दोस्तों, पहली बात ये है कि जो शेफ़ होता है, एक ने मुझे कहा था, अ गुड शेफ़ इज़ हु ब्रिंग सोल्स टू इट्स डिश। जो अपनी डिश में वो स्वाद और वो छटा बिखेरे, वो एक अच्छा शेफ़ होता है। तो शेफ़ बनने के लिए आपके हाथों में कला होनी चाहिए, जिसे पाक कला कहते हैं। कई सारे शेफ़ हैं भारत में जिन्होंने डिग्री नहीं की है। आपके संजीव कपूर ले लीजिए, आपके रणवीर बरार ले लीजिए, इतने सारे जो आपके शेफ़ हैं, उन्होंने डिग्री नहीं की है, लेकिन आज वो अपना नाम कमा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर बात करें, जो डिग्री होती है, डिग्री में आपको पूरे 3 साल या 4 साल की डिग्री में चारों मुख्य सब्जेक्ट, आपके फूड एंड बेवरेज सर्विस, फूड प्रोडक्शन, फ्रंट ऑफिस, एकोमोडेशन ऑपरेशन, या यूँ कहें हाउसकीपिंग, ये चारों सब्जेक्ट आपको डिग्री में पढ़ने होंगे। बहरहाल, डिप्लोमा में आपको खाली जिस सब्जेक्ट में आपने डिप्लोमा किया आपको वही पढ़ना होगा। लेकिन वहीं और आपका जो डिग्री में प्रत्येक सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, जो आपका F&B पढ़ाया जाएगा, वो आपको जितना होगा F&B का, वो या फूड प्रोडक्शन का, वो 3 साल में थोड़ा थोड़ा सेमेस्टर वाइज करके कंप्लीट किया जाएगा। वहीं दूसरी ओर जो डिप्लोमा है वो भी आसान नहीं है। 3 साल का कोर्स आप 1 साल में पढ़ रहे हैं, 6 महीने ट्रेनिंग होती है, 1 साल में आप 3 साल का कोर्स पढ़ रहे हैं, तो वो भी आसान नहीं है। तो जिनको लगता है, जिनके मन में ये वहम है कि डिप्लोमा बहुत आसान होगा और मैं पास कर जाऊंगा और कुछ पढ़ना नहीं पड़ता, तो अपने मन से पहले वहम निकाल दीजिए। दूसरी चीज़ कि डिग्री जो करता है, जो डिग्री धारक होता है, जो डिग्री करता है और वो अगर शेफ़ बनता है,
तो उसके बहुत सारे चांसेस हैं मैनेजमेंट ट्रेनिंग में बैठने के, लेकिन जो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है मैनेजमेंट ट्रेनिंग की, ये डिप्लोमा वाले मिस कर जाते हैं। वहीं दूसरी ओर आपका डिप्लोमा में, आप मान लीजिए जो कॉलेजेस होते हैं आपके चार डिश बनवाते हैं, आप चार डिश एक हफ्ते में, अगर हम कुकरी की क्लास ही ले लें तो हफ्ते में एक दिन कुकरी की क्लास होती है तो उसमें किचन की, तो उसमें आप चार डिश बनाते हो। अगर हम मान के चलते हैं कि महीने में आप चार क्लासें करते हो 16, और 10 महीने की बात कर रहे हैं, 2 महीना हम छुट्टी वगैरह हटा के, तो 10 महीने की बात कर रहे हैं, 16 × 10 = 160। वहीं जो डिप्लोमा वाला होता है वो डेली चार डिश बनाता है, तो हफ्ते की 20 डिश, क्योंकि शनिवार रविवार आपका ऑफ रहता है, तो महीने की 80 डिश और 10 महीने की 800 डिश। तो आप खुद बताइए कि इसमें सबसे ज़्यादा जो हाथ की सफाई होती है, यानी जो प्रैक्टिकल स्किल्स होती हैं, वो किसकी ज़्यादा अच्छी हुई, डिग्री की या डिप्लोमा की? ऑब्वियसली बेशक डिग्री की हुई, डिप्लोमा की हुई, माफ़ करिएगा। तो और डिप्लोमा किसे करना चाहिए? अगर आपने पहले से कोई डिग्री का कोर्स कर रखा है, यानी आपकी एक उम्र बीत चुकी है, आपकी 20-21 साल एक उम्र हो गई है जब आपने डिग्री कर ली है, तो उसके बाद आप डिप्लोमा कर सकते हो। डिप्लोमा में ये है कि आपको एंट्री लेवल से ही काम करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो आप बढ़ भी सकते हैं। वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें कि अगर आपने जस्ट 12th पास किया है, या चलिए मान लेते हैं आपने 12th पास किया, आपका कोई रेस्टोरेंट है या आपको अपना कुछ रेस्टोरेंट चलाना है या रेस्टोरेंट आपका है, तब आप डिप्लोमा कर सकते हैं, तब डिग्री की कोई आवश्यकता नहीं है उस समय। लेकिन डिग्री ना होने से नुकसान है कि अगर मान लीजिए आगे आपको कोई सरकारी एग्ज़ाम या UPSC या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की आपको तैयारी करनी हो, उस समय कहीं ना कहीं आप पीछे रह जाएंगे। यूरोपियन कंट्रीज़ में कहीं ना कहीं डिप्लोमा वाले को दिक्कत होती है, मगर डिग्री वाले को, डिग्री वाला के अंदर अगर है, अगर स्किल्स है, अगर उसके अंदर खूबियाँ हैं, तो वो यूरोपियन कंट्रीज से लेकर गल्फ कंट्रीज कहीं पे भी जा सकता है। तो डिप्लोमा और डिग्री में कुछ अंतर है, कुछ खामियां हैं, कुछ अच्छाइयां हैं। अगर आपके पास समय नहीं है, आपके पास पैसा कम है, आप डिप्लोमा बेशक कीजिए। अगर आपके पास सब कुछ है, सब फेवर में है, तो आप डिग्री की तरफ जाइए। नुकसान किसी से नहीं होता, सब चीज़ अच्छी है जिससे आप सीख पाए। उम्मीद करता हूँ ये पूरे 8 मिनट का वीडियो शायद आपकी कुछ मदद कर सके। आप नीचे मेरा, आप इंस्टाग्राम आईडी है नीचे मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें जाके आप मुझसे पूछ सकते हैं। और इस तरह से आपका प्यार आज मुझे 710 सब्सक्राइबर के करीब लेके आ गया। आशा करता हूँ कि आगे भी बढ़ते रहें और मैं आप लोग की मदद करता रहूँ। सो स्टे ट्यून्ड, बाय बाय, जय हिंद।